एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, अमीर लोग अमीर क्यों होते जाते हैं, गरीब लोग गरीब क्यों होते जाते हैं? क्योंकि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे उनके लिए काम करते हैं। बड़ी कमाल की बात है, ध्यान से समझना। एक गरीब के पास जब पैसा आता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं कहाँ खर्च कर दूँ, कहाँ खर्च कर दूँ, कुछ ना कुछ वो खरीद लेता है भले ही उस चीज़ की ज़रूरत ना हो। एक अमीर के पास जब पैसा आता है ना, तो वो तुरंत उसको खर्च नहीं करता है, वो ये सोचता है कि इन पैसों को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इन पैसों को मैं कहाँ पर लगाऊं ताकि वो पैसे मेरे लिए काम करें। तो अमीर लोग एसेट्स पर खर्चा करते हैं, लायबिलिटीज पर नहीं। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में ना हल्का सा छोटा सा फर्क है, जो लोग समझ जाते हैं बुढ़ापे में पछताते नहीं है। लायबिलिटीज वो है जिसको खरीदने के बाद आपको वो रिटर्न में पैसा देती नहीं है, ऊपर से आपको पैसा डालना पड़ेगा। मान लो कि आपने मॉस शॉक के लिए 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, या फिर सबने खरीद ली तो मैंने भी खरीद ली, या फिर किसी को दिखाने के लिए, या फिर बस ऐसे ही बहुत ही बचपन का सपना था कि गाड़ी खरीदूँ खरीदूँ खरीदूँ, तो खरीद ही ली, भले ही लोन लेनी पड़े उधार लेना पड़े, लेकिन खरीद ली। वो 10 लाख की गाड़ी आपको 12 लाख 15 लाख करके नहीं देगी, ऊपर से आपको पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस, ये वो, 10 का 12, 12 का 15 फ्यूचर में डालना पड़ेगा। लेकिन एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपको रिटर्न में पैसा देती रहेगी, वो आपके लिए काम करती रहेगी, उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मान लो कि आपने बॉन्ड खरीदा, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आपने खुद पर इन्वेस्ट किया, वो कभी ना कभी आपको पैसा रिटर्न में मिलने वाला है। आपने कहीं पर मान लो कि एक पेड़ लगाया, इसमें से आपको एक फल फ्यूचर में मिलने वाला है। मतलब गरीब अपनी जमा पूंजी को, मेहनत की कमाई को ऐसे खर्च कर देता है, जरूरत ना हो फिर भी खर्च कर देता है, ज्यादातर केसेस के अंदर दिखावा करने के लिए कि मेरे पास ये है भाई, मैं भी कर सकता हूं। अमीर लोग अपनी जमा पूंजी को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से जो रिटर्न मिलता है, जो पैसा वापस आता है, प्रॉफिट होता है, उसको खर्च करता है। मतलब कुछ भी हो जाए उसके पास जमा पूंजी तो रहेगी ही रहेगी। मौज शौक वो भी सारे करता है, सारे शौक वो भी पूरे करता है, लेकिन कौन से पैसे से पूरे करता है ये भी तो समझो। तो अब से एसेट्स पर खर्चा करो, लायबिलिटीज पर नहीं। एक बुक रेकमेंड कर रहा हूं, रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही फेमस बुक है, आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है पढ़ लेना। स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा कि हो सके तो पूरी पढ़ना, मैजिकल है यार, लाइफ चेंजिंग है। अगर आप बहुत ही बिजी पर्सन हो, आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं रहता है, तो कुकू FM के ऊपर इसकी बुक समरी अवेलेबल है, अपने टाइम पे सुन सकते हो। कुकू FM इंडिया का लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1000 घंटे से ज्यादा क्वालिटी कॉन्टेंट है, अपनी मर्जी से अपने टाइम पे सुन सकते हो। बहुत सारी ग्रेट बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड वहां पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन स्टोरीज, ड्रामा, फिक्शन, बहुत सारा कंटेंट वहां पर है। यार हमको स्कूल में बहुत सारी बातें नहीं सिखाई जाती, इवन घर के अंदर भी हमको बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जो जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन नहीं दिया जाता है। और हम सिर्फ स्कूल के नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, अगर हमको दुनिया के साथ कंपीट करना है, आगे बढ़ना है, तो हमको दुनिया भर का नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और कुकू FM इसके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म। और अभी दिवाली के दिन चल रहे हैं, बाहर फटाकों का स्पार्क करो ना करो, यहाँ पर स्पार्क जरूर से करना, यहाँ पर दिया जरूर से जलाना, नॉलेज बढ़ाने की शुरुआत करना। तो स्पेशली दिवाली डेज के लिए हम और कुकू FM आपके लिए लेके आए हैं छोटा सा गिफ्ट, 50% ऑफ कूपन कोड, नोट कर लीजिए दिवाली 50। वैसे कुकू FM की साल भर की फीस है 399 रुपीज, उसका 50% मतलब एक दिन का 50 पैसे के आसपास। जरा सोचो हम कहाँ कहाँ पैसे उड़ा देते हैं, लेकिन क्या कभी खुद पर इन्वेस्ट करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद पर इन्वेस्ट करना, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? थिंक अबाउट इट। कुकू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट। और हाँ, एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ख्याल रखना अपना, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।